कि नवीन ट्योंठा एक क्रिमिनल है जिसने मूसा भाई नाम के नाम से गैंग चलाई हुई और अभी वो विदेश से ऑपरेट कर रहा है। तो पूनरी में एक बेकरी चलाते हैं, सुखविंदर उनका नाम है। उनको मोबाइल पे फिरौती मांगी गई 10 लाख रुपए की 28 मई को पहले कॉल की और फिर 30 मई को भी की। तो वो इस चीज़ से नेचुरल सी बात है कि किसी भी आदमी को कहा जाता है कि भाई आप पैसे दो और पैसे ना दे फिर उसके बाद जान से मारने की धमकी दें तो सब आतंकित तो होते हैं, डर बैठता है सबके अंदर। तो इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए 230 नंबर FIR पुंडरी थाने में हमने दर्ज की और जो मूसा भाई की गैंग नवीन ट्योंठा ऑपरेट करता है उसका को एक्यूज्ड सहसाथी, वो जब पैसे लेने के लिए आया तो उसको हमने ट्योंठा गांव से गिरफ्तार कर लिया कल और उसके पास से पिस्टल बरामद हुई है और 2 राउंड भी बरामद हुए। उसके कहने पे ये सब चल रहा था। तो आरोपी को कल हमारी CIA जो 2 है डिटेक्टिव यूनिट उसकी टीम ने गिरफ्तार कर लिया ट्योंठा गांव से। और जो एक्यूज्ड है वो भाणा गांव का रहने वाला है, धर्मवीर उसका नाम है और उसके ऊपर कुछ मुकदमा दर्ज आर्म्स एक्ट लड़ाई झगड़े वगैरह के और जो नवीन ट्योंठा के कहे अनुसार ये सब कुछ कार्य करता है। तो उसको हमने गिरफ्तार किया है। इस तरह अगर नगरवासी और हमारे कैथल में अगर किसी भी तरह की अगर कोई इस तरह करे तो पुलिस उस पर सख्त जांच भी करेगी और सख्त कार्रवाई भी करेगी। नवीन ट्योंठा कौन से देश में है सर? जो नवीन ट्योंठा की बारे में मैं आपको सारी पब्लिकली इस तरह की इंफॉर्मेशन देना जिससे आगे चीज़ें डिस्ट्रॉय हो तो उस तरीके से अभी ओपनली जो साफ सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पे सारी जवाबें जाती हैं तो देना किस तरह से मांगी गई थी उसको व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से कोई विदेशी बोलता है कैसे व्हाट्सएप नंबर विदेशी नंबर। सर जो पकड़ा गया इसकी उम्र कितनी और पढ़ा लिखा कितना है? ये BA पास है और 35 ईयर्स इसकी एज। इसकी गिरफ्तारी विलेज ट्योंठा से की गई। ग्रुप में कितने सदस्य हैं सर? ग्रुप के सदस्य तो घटते बढ़ते रहे, काफ़ी सदस्य हैं जिनसे आगे हम इस लूप में जितने भी लोग हैं सबसे पूछताछ करेंगे और इस गैंग को पर्दाफाश। पहले भी इससे पहले भी इस तरह की वारदात में शामिल रहे हैं सर? नवीन ट्योंठा जो है उसके ऊपर हत्या आर्म्स एक्ट लूट अपहरण के मुकदमे पहले भी दर्ज। कितने साल से विदेश में रह रहा है? अब लगभग तकरीबन 2 साल से, मतलब ये है कि वो यहाँ पर नहीं। सर नवीन जो विदेश में है उसको भारत लाने के लिए उस पर कार्रवाई करने का वो प्रयास कैथल पुलिस द्वारा किया जाएगा? नवीन हमारा अपराधी और नवीन को डेफिनेटली उसको लोकेट करके इंटरपोल की मदद लेके और भारत में उसको लाया जाएगा। सर जो उन्होंने कार पहले जो किए हुए अपराध उस डिस्ट्रिक्ट कैथल में या पूरे हरियाणा में या पूरे देश देश के अलग राज्यों में भी कहीं हैं? इसके कुछ अपराध इसी जिले में दर्ज।